नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में कि आखिर धनतेरस कब है, 2021 में क्यों मनाना चाहिए और भी कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो हम जानेंगे। आमतौर पे देखा गया है दोस्तों कि धनतेरस पर नई चीज़ें लानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए उसके बारे में सारे लोग बात करते हैं, पर क्या चीज़ें नहीं लानी चाहिए उसके बारे में कोई नहीं बताता। हमको किसी ने बोल दिया कि बर्तन लेके आने चाहिए, हम किसी भी धातु के बर्तन उठा के ले आते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि किस धातु के बर्तन धनतेरस के दिन लाने चाहिए और किस धातु के बर्तन धनतेरस को नहीं लाने चाहिए, उसका क्या प्रभाव हो सकता है, तो इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है। दोस्तों, धनतेरस पर वस्तुएं खरीदने पर अक्षय फल की प्राप्ति होती है, घर धन धान्य से संपन्न हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि पीतल या चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ है। धनतेरस को लेकर मान्यता है कि इस दिन खरीदारी करने से धन समृद्धि तो बढ़ती है, पर क्या चीजें वो हम आगे बात करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि धनतेरस कब है। तो इस वर्ष धनतेरस 2 नवंबर 2021 मंगलवार को है। धनतेरस पर मुहूर्त के आधार पर आप अपने लिए खरीदारी कर सकते हैं। अब कौन सी चीजें शुभ रहेंगी और कौन सी अशुभ, उस बारे में हम आज बात करेंगे ताकि दरिद्रता दूर 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 चली जाए आपके घर से और समृद्धि बिल्कुल आपके घर के भीतर हो और आप बहुत ही खुशियों वाले वातावरण में रहें। तो पहले बात करते हैं जिन चीज़ों को आपको भूल के भी नहीं खरीदना चाहिए। सबसे पहले आता है एल्यूमिनियम और स्टील। आमतौर पे क्या होता है कि मैं भी पहले ऐसा ही करती थी, मेरे को मम्मी फ़ोन कर देती थी या कोई भी बोलते थे कि बस कुछ तो बर्तन लेना चाहिए, तो मुझे ज़रूरत नहीं भी होती थी, मैं एक चम्मच या कुछ भी चीज़ स्टील की ले आती थी। पर जब मैंने इसके बारे में जानकारी इकट्ठा की तो मैंने देखा कि इस दिन तो एल्यूमिनियम और स्टील के बर्तन खरीदने ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एल्यूमिनियम और स्टील की वस्तुएं नहीं खरीदें, क्योंकि ये जो सामान है, ये जो धातु है, इसके खरीदने से कहा जाता है कि घर की लक्ष्मी रूट जाती है और घर में दरिद्रता का वास होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एल्यूमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, इसीलिए इसे दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। इसके बाद बारी आती है लोहा की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहा, और सभी को बताया, शनि का कारक माना गया है। ऐसे में इस शुभ दिन लोहे की वस्तुएं भी ना खरीदें। मान्यता है धनतेरस के दिन लोहे से बनी कोई भी वस्तु यदि आप घर पे लाते हैं तो घर में दुर्भाग्य का प्रवेश हो जाता है, तो इस बारे में भी आप सावधानी बरतें। उसके बाद नंबर आता है प्लास्टिक का। ज्योतिषविदों के अनुसार जो प्लास्टिक है वो धन को स्थायी बनाता है, यानी कि धन जो लक्ष्मी है वो टिकती नहीं है, इसीलिए धनतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं ना खरीदें। अगर आप धनतेरस के दिन घर में कोई भी प्लास्टिक की वस्तु लेकर आएंगे तो इससे धन के स्थायित्व में और बरकत में कमी आ सकती है। कांच, अब बात करेंगे हम तो, और कांच का भी जो संबंध होता है वो राहु से होता है, इसीलिए इस दिन कांच की बनी हुई वस्तुएं आप ना खरीदें, क्योंकि अगर आप कांच लाते हैं तो इसका मतलब माना जाता है कि घर में राहु का प्रवेश हो गया, जो गरीबी का द्योतक है, तो कांच भी आप इस दिन ना खरीदें। अब बारी आती है चीनी मिट्टी की। इस दिन चीनी मिट्टी या बोन चाइना से बनी कोई भी वस्तु आप मत खरीदिए, ये भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि बोन चाइना की चीज़ें लंबे समय तक सुरक्षित और स्थायी भी नहीं होती और ये घर में आने वाली बरकत में भी बाधा डालती हैं। दोस्तों, अब जल्दी से बात कर लेते हैं क्या खरीदें, क्योंकि ये सबको पता ही होता है तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। सबसे पहले बारी आती है सोने की, क्योंकि बृहस्पति का प्रतीक है इसलिए खरीदना चाहिए। फिर बात करेंगे चांदी की, चांदी खरीदना चाहिए, इसके सिक्के खरीद सकते हैं, लक्ष्मी और कुबेर की आकृति बनी हो वो वाले सिक्के। जहाँ तक बात है बर्तन खरीदने की, बर्तन जरूर खरीदें, लेकिन तांबे, पीतल और चांदी के ग्रह में यूज़ होने वाले बर्तन ही खरीदें। पीतल के बर्तन लक्ष्मी और बृहस्पति के प्रतीक माने जाते हैं, इसीलिए सोना अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पीतल के बर्तन जरूर खरीदें। और एक ऐसी वस्तु है, वो है धनिया। इस दिन कुछ खरीदें ना खरीदें, आप धनिया और झाड़ू जरूर खरीदें। इसका भी मैं आपको कारण बता देती हूँ। जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में धनिया के नए बीज खरीदते हैं, वहीं शहरी क्षेत्रों में पूजा के लिए साबुत धनिया खरीदा जाता है, और इसको गुड़ के साथ पीसकर एक मिश्रण भी बना सकते हैं जो प्रसाद रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं।
दिवाली के लिए अगर बच्चों को नए कपड़े दिलाने हैं तो धनतेरस के दिन ही खरीदें, लक्ष्मी की लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदनी है तो धनतेरस के दिन ही खरीदें, खिलौने बच्चों को दिलाने हैं दिवाली पे तो धनतेरस के दिन ही खरीदें। उसके साथ ही खील बतासे, गोमती चक्र होता है, कौड़ियाँ होती हैं और कुबेर यंत्र होता है, ये सारी चीज़ें आप धनतेरस को खरीद सकते हैं। दोस्तों आज बस इतना ही, आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक और मैं वीडियो बनाऊंगी कि धनिया और झाड़ू क्यों खरीदना चाहिए धनतेरस पे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर अपना प्यार दें। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नमस्कार।